कि प्रधानमंत्री का आप हनुमान बनते रहते हैं, लेकिन आपके घर को तुड़वाया, चाचा भतीजा को लड़वाया, फिर भी आप हनुमान बन गए। हम बार बार बोलते हैं कि जितनी चिंता वो हमारी हमारे प्रधानमंत्री की करते हैं, उसकी 10% चिंता भी इन्होंने अपने प्रत्याशियों की और अपने प्रदेश की होती तो इनके काल को जंगल राज के नाम से नहीं जाना जाता। आज भी अगर अपने प्रत्याशियों की चिंता कर लेंगे तो संभवतः वो अपनी जमानत तो कम से कम बचा पाएंगे। जितनी चिंता ये हमारी कर रहे हैं कि हमारे घर हमारे परिवार में क्या हुआ, वो हमारी चिंता है और वो हमारी व्यक्तिगत चिंता है, ना उसका मेरे परिवार से ना उसका इनसे कुछ लेना देना है, ना मेरे प्रदेश से कुछ लेना देना है। आज हम लोग चुनावी रण क्षेत्र में, चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं है ना कि चिराग पासवान के घर का क्या हुआ। करनी है बात तो चिराग पासवान के बिहार पर्स बिहारी पर्स पे कीजिए, बताइए कि जो विजन चिराग पासवान के पास है क्या आप उस विजन से सहमत हैं। चिराग पासवान आज एक विकसित प्रदेश बनाने को लेकर एक रोड मैप के साथ आगे निकला है। आप बोलते रहते हैं भैया हम नौकरी दिए और हम इतनी नौकरी देंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, बताइए वो विजन है। एक विजन मुझे बता दें कि सरकार में राजस्व कैसे बढ़ाया जा सकेगा। आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितना राजस्व बढ़ा लिया आप हमारे प्रदेश का, और जब तक प्रदेश में राजस्व नहीं बढ़ेगा तब तक आपके पास पैसा नहीं होगा सैलरी देने के लिए, और जब तक पैसा नहीं होगा तो ये रोजगार का ढिंढोरा पीटने से नहीं होगा। तो जितना ध्यान मेरे छोटे भाई मुझ पर देते हैं अच्छी बात है, छोटे हैं देना चाहिए, पर उतना ध्यान अपने ऊपर और बिहार के ऊपर। उन्होंने ये भी कहा है कि आपने कभी मंत्री नहीं बना है, आपको नौकरी आप कैसे मांगने के लिए दी जाती है, आपको कैसे मांगनी, वो क्या पता कौन नौकरी देता भाई। वो जन्म से उप मुख्यमंत्री बन गए थे क्या? हाँ, और अनुभव एयर कंडीशन कमरों में बैठने से नहीं होता, अनुभव जनता के बीच जाने से होता है। उनका कार्यकाल निकाल कर देख लीजिए, उस कार्यकाल में बिहार में घटी घटनाओं का भी आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए और कितनी घटना पर वो गए ये भी आप निकाल कर देख लीजिए। अनुभव जनता के बीच जाने से होता है, जनता के साथ रहने से होता है। एसी कमरे में गाड़ी का शीशा चढ़ाकर घूमने से अनुभव किसी को नहीं आता। चिराग जी करे कौन बन गया भाई, 10 साल से सांसद हूँ, 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, अब अभी 20 साल होने जा रहा बिहार में उन्हीं की सरकार चल रही है, अब बीच में पलटू चाचा पन इधर उधर पलटते रहते हैं, जब उधर से टाइट करता है ईवीआई सीबीआई तो कूद करके इधर आ जाते हैं, भैया बचा लीजिए हमारा ना तो हमारे सब पटिए खा जाए। अभी फिर अभी टाइट किए हुए है, हवा उनका टाइट है, देखिए फिर भागने के फिराक में लगे हुए हैं, तो उनको अच्छा से हमारी जनता ही नो एंट्री का दौर लगा चुकी है। इस बार तो मतलब कि हमारे घर से भी लोग गए, बिहार की जनता के दिल से भी चले जा चुके हैं। खैर उनकी बात हम क्या करें, तो मेरे बुजुर्ग है, फिर भी आएंगे घर पे हमारे तो हम लोग तो पैर छू के आशीर्वाद ही ना लेंगे, और क्या करेंगे, आशीर्वाद दीजिए और जाकर के सीताराम सीताराम करते रहिए घर में बैठ के। अब वही काम बच गए, लालू जी रख थे तो रेल में गरीबों के लिए उन्होंने गरीब रथ चालू किया था, मालूम है ना आप लोगों को, भाई नीतीश चाचा जब रेल मंत्री थे तो किसके नाम से रेल चालू किए थे, तो इसी से आप लोग कंपेयर कर लीजिए कि कौन गरीबों के लिए सोचता है, कौन किसके लिए सोचता है। ये बोलते हैं कि सब बच्चा पैदा कर लिया, अरे भाई तो तुमको कहा दिक्कत है, तुमने बच्चा नहीं पैदा किया, तुमने एक ही बच्चा पैदा किया तो उसमें तुमको क्या, उसमें लालू जी का क्या दिक्कत है भाई, लालू जी को क्यों गाली दे रहे हो तुम लोग, तुम लोग अपना मुद्दा पे बात करो ना, क्या काम किए उस पे बात करो, लालू जी का बच्चा कितना पैदा हो गया, उनको एक ही बच्चा हुआ वो भी नहीं कुछ कर पाया, और किसी को बच्चे नहीं है तब यही मुद्दा है, उसे आप लोग को शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, महंगाई दूर भागेगी, नहीं सब तरह का बात होगी। जब आप परिवार पे बोलिएगा तो भाई ये परिवार के लिए भी हम लोग है, परिवार का बात परिवार से देंगे, रोजगार का बात हम लोग रोजगार गिना गिना करके देंगे, हमने ये काम किया, आप गिनाइए ना 10 साल से क्या किए हैं, कुछ किए हैं, बस खाली हवाबाजी किए जा रहे हैं, गाली गलौज किए जा रहे हैं, और यही बहन बेटी अगर उनको पलट के जवाब देती है तो उधर से गाली खाली दिया जा रहा है, आप लोग भी समझ रहे हैं ना कैसे, हम लोग तो बचपन से तो गाली ही सुने।